हेलो स्टूडेंट, आई एम चंद्रिका कुमारी फ्रॉम मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास लेसन नंबर थ्री, स्ट्रेंज प्रिजनर मीन्स एक अजीब कैदी। ये लेसन हमारा आधा कंप्लीट हो गया था, हमने आधा कंप्लीट कर दिया था। जब उससे आगे पढ़े, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, हम उससे आगे करेंगे। Why did you escape, asked the officer? फिर आप क्यों बच गए, अधिकारी से पूछा। पैट्रिक ने अधिकारी से पूछा कि फिर आप क्यों बच गए, अधिकारी से पूछा। As you know, I have been a student of science and during my stay at the jail, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ। तो मैंने जेल में रहने के दौरान के जब मैं जेल में रह रहा था तब मैंने I had invented methods on how to make the sea water potable, कि तो मैंने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने का आविष्कार किया था। इट वॉज द रीज़न आई एस्केप्ड सेड पैट्रिक, के यही कारण था कि मैं बच गया, पैट्रिक ने कहा। आई सी, समझा। इट वॉज यू हु मेड मी एस्केप फ्रॉम द जेल, सेड पैट्रिक, कि यह आप ही थे जिन्होंने मुझे जेल से भगा दिया। पैट्रिक ने कहा कि वह यह आप ही थे जिन्होंने मुझे जेल से भगा दिया। पैट्रिक ने कहा, What the hell are you talking, कि तुम क्या कह रहे हो, यह आप क्या बात कर रहे। Shouted the officer, अधिकारी चिल्लाया। Indeed you did, कि वास्तव में तुमने किया। इफ़ यू रिकलेक्ट आई हैड आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर माय एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट, कि आपको याद हो तो मैंने आपसे इस प्रयोग के लिए प्रयोगशाला में जाने के लिए आपसे मंजूरी मांगी थी। नॉट ऑन वन ओकेजन बट टू टाइम्स यू डिड नॉट अप्रूव, सेड पैट्रिक, कि मैंने एक बार नहीं दो बार आपसे मंजूरी मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी, पैट्रिक ने कहा। ही कंटिन्यूड, आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एस्केप, कि मैंने जारी रखा और मेरे पास जेल से भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था। मुझे जेल से भागने में मेरे जेल से भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं था। आई वेंट टू द लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे, कि मैं यहाँ से सीधा प्रयोगशाला में गया। द साइंटिस्ट अलाउड मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट्स, वैज्ञानिकों ने मुझे अपना प्रयोग करने की अनुमति दे दी। वैज्ञानिकों ने मुझे प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी। हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट्स, जब मेरी खोज पूरी हुई, जब मैंने अपना प्रयोग पूरा किया, आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, कि मेरी सज़ा पूरी करने के लिए मैं वापस जेल में आ गया। द जेल ऑफिसर एक्सकाल्म्ड, जेल अधिकारी ने कहा, ब्रावो पैट्रिक, यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी, कि तुमने एक मानवता के लिए एक महान कर्तव्य किया है। देयरफॉर यू शुड बी सूटेबली रिवॉर्डेड
बाय बीइंग सेट फ्री, कि तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाना चाहिए कि तुमने मानवता के लिए एक अच्छा कर्तव्य किया है, काम किया है, तो तुम्हें इनाम जरूर दिया जाना चाहिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द प्रिजनर वाज सेट फ्री ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशंस ऑफ द जेल ऑफिशियल्स, कि कुछ दिनों में अधिकारियों की सिफारिशों से, कि कुछ दिनों में जो जेल के अधिकारी थे उनकी सिफारिशों से उस कैदी को आज़ाद कर दिया गया, कि उस जो पैट्रिक था ना उसको आज़ाद कर दिया था, कि जेल के जो अधिकारी थे उन्होंने सिफारिशें की, जो बड़े अधिकारी होते हैं ना उनसे सिफारिशें की और पैट्रिक को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, मानवता के लिए एक अच्छा कर्तव्य किया था, इसलिए उसको जेल से रिहा कर दिया। ये था आपका लेसन नंबर थ्री आपका कंप्लीट हो गया है। हमने आधा तो उस दिन कंप्लीट कर दिया था, आधा आज किया है। अब आपको करना है वर्ड मीनिंग करनी है आपको। पहले आपको ये होमवर्क में वर्ड मीनिंग करनी है। पहले आपको ये अपनी वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करनी है, फिर आपको अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अपन ने उस दिन दो कंप्लीट किए थे, आज अब उससे आगे वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड पैट्रिक डू वन डे, कि पैट्रिक ने एक दिन क्या किया, कि पैट्रिक ने एक दिन क्या किया। आंसर, पैट्रिक फेल्ड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट, कि पैट्रिक एक दिन आधी रात को जेल की दीवार से भाग गया, कि पैट्रिक फेल्ड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच कंट्री पैट्रिक वाज इन जेल, कि पैट्रिक कौन से देश में जेल में था, कि कौन से देश में जेल में था। आंसर है अमेरिका। आंसर क्या होगा इसका, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड पैट्रिक एस्केप फ्रॉम जेल, कि वह जेल से क्यों भाग गया, कि वह जेल से क्यों भाग गया। तो आंसर टू डू एक्सपेरिमेंट्स। आंसर क्या होगा, टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने के लिए वह जेल से भागा था। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। वापस मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। व्हाट डिड पैट्रिक डू वन डे, पैट्रिक फेल द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच कंट्री पैट्रिक वाज इन जेल, आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड पैट्रिक एस्केप फ्रॉम जेल, आंसर टू डू एक्सपेरिमेंट्स। ये थे आपका होमवर्क, ये आपको अपने कॉपी में अच्छे से कर देना है। पहले वर्ड मीनिंग करनी है आपको, थैंक यू।